हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्टिनोमीटर के बारे में सो so, एक्टिनोमीटर जो है सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस है सो so, इसके पिछले वीडियो में हमने क्वांटम इल्ड के बारे में डिस्कस किया था सो so, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है उसको टू डिटरमाइन क्वांटम इल्ड ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन इट इज नेसेसरी टू नो इंसिडेंट लाइट ऑफ फ्लक्स आई जीरो देर आर नंबर ऑफ टेक्निक अवेलेबल फॉर मेजरिंग आई जीरो द इक्विपमेंट यूज फॉर दिस मेजरमेंट इज नोन एज एक्टिनोमीटर एंड द फिनोमिना इज एक्टिनोमेट्री सो बेसिकली हमने पिछले वीडियो में क्वांटम डिस्कस किया था उसको डिटरमाइन करने के लिए एक्टिनोमेट्री का यूज किया जाता है so किसी भी का अगर हमको पता करना है तो ये बहुत जरूरी है कि हम उसको इंसिडेंट लाइट फ्लक्स के बारे में हमको पता हो और ये जो इंसिडेंट लाइट फ्लक्स होता है इसको मेजर करने के लिए बहुत सारे टेक्निक है लेकिन जो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट जो यूज किया जाता है मेजर करने के लिए वो एक्टिनोमीटर होता है सो बेसिकली एक्टिनोमीटर के द्वारा हम आई जीरो जो है मेजर करते हैं उसके बाद हमको क्वांटम इल जो है एक पर्टिकुलर रिएक्शंस का पता चलता है सो द प्रोवाइड द प्रोवाइड्स डिटर्मिनेशन मेजरमेंट एंड बेसिकलीटर प्रोवाइड डिटर्मिनेशन मेजरमेंट एंड स्टैंडाइजेशन ऑफ द लाइट सोर्स लाइट सोर्स जो होते हैं हमारा जो फोटोन होगा उसको हम डिटर्माइन कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं उसका कर सकते हैं बायजिंग दिस एक्टिनोमीट्री एंड उसके बाद एक्टिनोमीटर आर इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द हिटिंग पावर ऑफ रेडिएशन दे आर यूज टू मेट्रोलॉजी टू मेजर सोलर रेडिएशन एस पायरेनोमीटर्स पायरो हेलियोमीटर्स एंड नेट रेडियो मीटर्स। सो एक्टिनोमीटर जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम जो है हीटिंग पावर भी किसी भी रेडिएशन जो हमारा होता है फोटो रेडिएशन उसका हीटिंग पावर जो है हम मेजर कर सकते हैं एंड ये जो है यूज किया जाता है मेट्रोलॉजी ऑफ मेजर में एंड सोलर रेडिएशन वगैरह में भी जो है ये एक्टिनोमीटर का यूज करते हैं ठीक है बेसिकली सरफेस सोलर सोलर सिस्टम सन uh, के सरफेस को भी सन uh, के सरफेस के टेम्परेचर को मेजर uh, करने के लिए भी एक्टिनोमीटर का यूज किया जाता है ये इसका, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है जनरल से बहुत uh, ही सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है इसका आप इसको बना सकते हैं एक्टिनोमीटर uh, इंस्ट्रूमेंट डिजाइनेटेड बाय जूल्स ऑयल एंड यूज टू एस एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ सन सरफेस ठीक है इसको जो है सन सरफेस uh, का टेम्परेचर जो है uh, मापने के लिए भी एक्टिनोमीटर का यूज किया जाता है तो ये इसके बेसिक पॉइंट्स हैं पॉइंट बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्वांटम इल डिटरमाइन कर सकते हैं बेसिकली हमने पिछले वीडियो में क्वांटम इल पढ़ा क्वांटम इल क्या होता है कोई भी हमारा एक रिएक्शन होता है तो उस रिएक्टेंट के द्वारा ये जैसे ए एंड बी रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के द्वारा कितने फोटोन को जो है एब्जॉर्ब किया गया है एंड उसके बाद कितने फोटोन के साथ जो है ये रिएक्ट करेगा इसके जो मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट होंगे ये रिएक्टन कितने फोटोन के साथ रिएक्ट करेगा जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो उस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में कितना फोटोन एब्जॉर्ब होगा उसे ही क्वांटम इल्ड क्या कहा जाता है और क्वांटम इल्ड को जो है फाइव एप से रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसी क्वांटम इल्ड को पता करने के लिए एक्टिनोमीटर में जो का जो है इक्विपमेंट का यूज किया जाता है तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट एक्टिनोमेट्री का जो कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा एंड ये नोट्स आपके एग्जाम से, से हेल्पफुल हुए होंगे अगर आपको एमएससी सेमेस्टर एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैंडमेड नोट चाहिए तो आपको नीचे लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ स्टोर का आप वहां से एक बार चेक कर सकते हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे और आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग